नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल। दीपावलिक भारत की बड़ी खबरों के लिए दीपावलिक के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की बड़ी और विशेष खबर आपको बताना चाहूंगा, 19 जुलाई 2022 की आज की ताज़ा खबर। देश के अंदर कल राष्ट्रपति चुनाव मतदान हो चुके हैं, बहुत अच्छे चुनाव हुए हैं, यानी 99% से ज़्यादा मतदान हुआ है। 21 जुलाई को इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वहीं पर बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूँगा, नूपुर शर्मा ने एक बार फिर से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली है, आज उसकी सुनवाई होगी। जी हां, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में तीसरे चरण के मतदान में ऋषि सुनक आगे चल रहे हैं और संभावना है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देश और दुनिया की मुख्य खबरें आपको मैं देने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, लाइक के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी और विशेष खबर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयरगन लाने वाला गिरफ्तार। एयरपोर्ट से 45 पिस्टल बरामद होने का मामला दिल्ली पुलिस ने आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। आपको बता दें कि जगजीत सिंह और जसविंदर कौर के दो ट्राली बैग से 14 जुलाई को 45 एयरगन बरामद की गई है। दोनों से पूछताछ में पता चला कि दोनों ट्राली बैग मंजीत सिंह ने दिए थे, पुलिस ने मंजीत की गिरफ्तारी कर ली है। वहीं पर आपको बता दें कि सोलर टर्म अलर्ट जारी किया गया है, यानी साफ साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि आज पृथ्वी से टकरा सकता है सोलर तूफान। ब्लैकआउट और हवाई यातायात बाधित होने की आशंकाएं बताई गई है। एक विशाल शोर और ज्वाला सूर्य से पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडल प्रशासन ने आज यानी 19 जुलाई को तूफान के परिणाम स्वरूप समेत रेडियो ब्लैकआउट के बारे में चेतावनी दी है, यानी आकाश में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। कौन से देश में कहाँ पर ज़्यादा प्रभाव होगा इसकी सूचना अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन जो भी ब्लैकआउट को लेकर विमान या रेडियो संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा उन्होंने संदेश जारी किया है। फरीदाबाद के अंदर नौकरी देने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस के गिरफ्त में पहुंचे 5 आरोपी। वहीं पर आपको बता दें कि साइबर थाना NIT की टीम ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो एयरलाइन कंपनी एयर एशिया में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम योगी के सख्त तेवर, धार्मिक यात्राओं में की ऐसी हरकत तो होगी कड़ी कार्रवाई, बोलकर भी न करें ये गलतियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के महीने में धार्मिक यात्राओं और जुलूसों में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जुलूसों में सिर्फ परंपरागत वाद्य यंत्रों को ही बजवाने की अनुमति दी जाएगी। मथुरा के अंदर परिक्रमा मार्ग के आश्रम में भीड़ में फंसे वृद्ध की मौत, भोजन के बांटे जाने के दौरान ये हादसा हुआ और यहाँ पर आश्रम संचालक ने मैनेज कर लिया है पूरे मामले को, बताया गया। अगर मौसम की खबरों की बात की जाए तो आज यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा और पंजाब के अंदर भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 19 तारीख से लेकर 22 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी और इंतजार खत्म होने वाला है और अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि भारत में चुपचाप पांव पसार रही वैश्विक आर्थिक मंदी, सामान्य खाने पाने की चीज़ें GST के दायरे में आर्थिक मंदी जो है पांव पसार रही है। जी हां, 65 की उम्र में यंग एक्ट्रेस को मात देने अनिल कपूर, अभिनेता की फिटनेस में आपको बता देता हूँ कि यंग एक्ट्रेसों को मात देने वाले अभिनेता कपूर की फिटनेस लगातार जिम करने से बढ़ रही है। वहीं पर दिल्ली में साइबर थाने के एक और प्रभारी पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप, 2 लाख वसूलने के आरोप में थाना प्रभारी और SI पर मुकदमा। हल्के लड़ाकू विमान मारक 2 के 6 स्क्वाड्रन तैयार करेगी वायुसेना। वहीं पर तेज रफ्तार रोडवेज बस नेशनल हाईवे पर पलटी, 18 यात्री घायल, 1 की मौत। ये जो हादसा है जिसके कारण लोगों को राहत की उम्मीद देखी जा सकती है, लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, वहीं पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को अस्पताल पहुंचाया। जी हां, फिरोजाबाद के अंचल ने नौकरी छोड़कर प्रयास स्वरोजगार, 3 साल में कई शहरों में फैलाया कारोबार। अल्पसंख्यक में मुसलमान 83% से ज़्यादा, अफसर और कदर की नौकरियों में ईसाइयों का दबदबा। ये थी आज की विशेष खबर, आपको कैसे लगी कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत की बड़ी खबरों के साथ, दीपावली के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।